أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। रोज़े की हालत में इन्हेलर लेना, जो लोग दमा के शिकार हैं, दमा की बीमारी पाई जाती है, वो लोग इन्हेलर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ये स्प्रे लेना कि जो हलक में जाता है, और क्या इससे रोज़ा बातिल हो जाएगा या बातिल नहीं होगा। देखिए, वो जो स्प्रे लेते हैं उसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर वो स्प्रे जो हवा की शक्ल में आपके फेफड़े में दवा को पहुंचा रहा है और मैदे में नहीं जा रहा है, कि गालिबन जो स्प्रे होता है पाउडर की शक्ल में नहीं हो, या ऐसी हवा की तरह लिक्विड की शक्ल में जो होता है, वो गालिबन ऐसे होता है कि वो फेफड़े में जाता है और उसका मैदे से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है, आपको इत्मीनान है कि मैदे में नहीं जा रहा है और सिर्फ़ फेफड़े तक जा रही है, दवा पहुंच रही है, तो वो ले सकते हैं, उससे आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन अगर मैदे में जा रहा है और यकीन है कि मैदे तक पहुंच रहा है, तो उस पर फिर वही खाना और पीना सादिक आएगा और फिर वो जायज़ नहीं होगा, रोज़ा बातिल हो जाएगा।